हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे सूजी का हलवा जिसका टेस्ट, टेक्सचर और कलर एकदम मज़ेदार रहेगा और साथ ही मैं सारे टिप्स भी बताते जाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट को रोस्ट कर लेते हैं। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा घी। ड्राई फ्रूट्स को हमें हल्का सा रोस्ट करना है। ये लीजिए, ड्राई फ्रूट्स हमारे रोस्ट हो गए हैं। अब हम इसको नीचे उतार लेते हैं। अब इसी पैन में हम घी लेंगे। इसके बाद हम ऐड करेंगे एक कटोरा सूजी। सूजी को घी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसे ब्राउन होने तक पकाएंगे। यदि आपको पता नहीं चले कि सूजी हमारी पक चुकी है कि नहीं, इसमें से जब खुशबू आने लगे तब तक हम उसको भूनेंगे। साइड में हमने पानी को भी गर्म करने के लिए छोड़ दिया है। सूजी हमारी भून चुकी है। अब गर्म पानी को सूजी के अंदर मिला लेना है। पानी हमें सूजी से 3 गुना ज़्यादा ऐड करना है और अच्छे से मिलाना है। इसके बाद हम ऐड करेंगे शुगर और थोड़ा सा कलर। कलर बिल्कुल ऑप्शनल है। फिर से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें जाएगा रोस्ट किया हुआ बादाम, काजू और थोड़ी सी किशमिश को भी ऐड करेंगे। ये देखिए, सूजी का हलवा बनकर रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, कितना अच्छा कलर आया है। अब हम इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। आप इसे लोबिया बीन्स करी के साथ सर्व करोगे तो खाने में बहुत ही मज़ेदार रहेगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।